Hey everyone, welcome to this new video right here. और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू डेटा साइंस. डेटा साइंस आज के टाइम पे मोस्ट नर्चरिंग फील्ड है. इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2020 से 2030 के बीच में डेटा साइंस की जो ग्रोथ है वो 22% से होगी, जो किसी भी दूसरे प्रोफेशन से 3 गुना ज्यादा है. आईटी फील्ड में डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स है, चाहे स्टार्टअप हो या वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हो, सभी में डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती ही है. आई एम श्योर आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप सभी लोगों को इस फील्ड के स्कोप के बारे में थोड़ा तो पता ही होगा. इस वीडियो में मैंने डेटा साइंस पर पूरा एक रोड मैप तैयार किया जिससे आप डेटा साइंस को इजीली समझ जाएंगे. नाउ व्हाट इज डेटा साइंस? हम सब लोगों ने स्कूल में साइंस पढ़ा है और डेटा साइंस और साइंस में ये साइंस वर्ड कॉमन है. साइंस का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को टॉप से लेके बॉटम तक समझ लेना, ताकि आप किसी और को भी समझा पाओ विथ फैक्ट्स. अब डेटा साइंस का क्या मतलब हुआ? डेटा साइंस वो स्टडी है जिसमें आप डेटा को स्टडी करते हो विद डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स. अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, किसी एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है, या कुछ और. जो भी डेटा आप एनालाइज कर रहे हो उसमें से कुछ मीनिंगफुल डिराइव करना, या कोई पैटर्न डिटेक्ट करना, या फिर कुछ भी डिसीजंस क्रिएट करना, ये सारे काम हम उस डेटा को एनालाइज करके करते हैं. थोड़ा सा और इजीली समझते हैं. जब आप लोगों ने यूट्यूब पर डेटा साइंस के बारे में सर्च किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक एड दिखा होगा जिसमें कोई इंसान किसी कोर्स के बारे में बात कर रहा है कि आप डेटा साइंस कहां से सीख सकते हैं. जब भी आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर अगर कोई वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के सामने उसी से रिलेटेड वीडियोस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एड्स आने लगते हैं. एग्जांपल के लिए अगर यूट्यूब पे किसी ने फनी या हॉरर वीडियो देखा तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन आपको फनी या हॉरर वीडियो के ही दिखेंगे. ये सारा डेटा साइंस का मैजिक है. सिर्फ यही नहीं, आप डेटा कहीं से भी उठा सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो और किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो. डेटा साइंस में कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है फॉर प्रेजेंटिंग और प्रिडिक्टिंग द पैटर्न्स. आप समझते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए. देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डेटा साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर में और भी ग्रो करने वाला है. इस टाइम डेटा साइंस को सीखना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाओगे, उसके लिए रेडी हो पाओगे. दिस ब्रिंग्स अस टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कोड इजी अकेडमी. कोड इजी अकेडमी मेरा एक इनिशिएटिव है जहां पे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं टू इंटर इन टू आईटी फील्ड थ्रू वेब डेवलपमेंट. अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी में तो आई एम हैविंग अ फ्री ट्रेनिंग, 1 आवर ट्रेनिंग, जहां पे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन आईटी फील्ड इन लेस देन 90 डेज. डेटा साइंस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्लीन एंड सिंपल है. सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है. कोई भी पर्सन सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करता है यूजिंग डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एंट्री, और उसको यूजेबल फॉर्म में स्टोर करता है. पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है. अब इस एनालिसिस की प्रोसेस में अलग अलग पैटर्न्स, स्कोप्स, रेंजेस और रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आप ये समझ लीजिए कि डेटा का एनालिसिस ही डेटा साइंस का बैकबोन है. अब एनालिसिस से जो भी प्रिडिक्शंस किए जाते हैं उसे आगे यूज किया जाता है. ये सारा एनालिसिस रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, एक्सेट्रा. तो ये डेटा साइंस सीखने के 3 मेजर स्टेप्स है. अब ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखिए, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना. नॉर्मली डेटा साइंटिस्ट पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट और भी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आप डेटा साइंस के लिए सीख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए पर्ल, जावा, आर एक्सेट्रा. बाकी पाइथन को यूज करने का रीजन ये है कि पाइथन में आपको बहुत सारे टूल्स एंड लाइब्रेरीज मिल जाएंगे जिससे कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो इजीली आपको मिल सकता है. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी होगी वो है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के थ्रू आपका जो पास्ट का डेटा है या जो एनालिसिस है वो आप अपने कंप्यूटर को सिखा सकते हो, ताकि जब आपको वापस से उसे यूज करना हो तो आपको एकदम जीरो से सारी चीजें स्टार्ट ना करनी पड़े. इसके साथ आपको स्टेटिस्टिक्स भी आनी चाहिए. अब स्टेटिस्टिक्स वही है जो हमने स्कूल में सीखी थी. मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सभी कॉन्सेप्ट का डिसेंट नॉलेज होना जरूरी है. सारा एनालिसिस करने के बाद आपको अपने रिजल्ट को एक रीडेबल और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना आना चाहिए. अब ये सारे काम करने के लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए. अब इतनी लोड लेने वाली बात नहीं है. डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आपने जो भी रिजल्ट निकाला है उसको ग्राफ और चार्ट में कन्वर्ट करना, जो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. आप उसको इजीली सीख सकते हो और कर सकते हो. ये तो सब हो गया थ्योरी और सीखने वाला पार्ट, बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए,
वो है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डेटा साइंस। अब आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आप प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे। आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है जो एक डेटा साइंटिस्ट फॉलो करता है। सबसे पहले आपको कहीं से डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना है विद द यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद आपको कुछ प्रिडिक्शंस बनाने हैं और फिर उन्हें फाइनली विजुअली रिप्रेजेंट करना है। सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ऐसे ही आप कितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स उतना ही एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको थ्योरी के कंपैरिजन में ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर आप सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने रेज्यूमे में भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग इन कंपनीज एज ए डेटा साइंटिस्ट और इंटर्नशिप। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप टू डेटा साइंस। आई होप इससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गो टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।